गुड मॉर्निंग, मोहित शर्मा, लेक्चरर, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। सब्जेक्ट कोड ईई 309, सब्जेक्ट नेम स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, टॉपिक है रिएक्टेंस रिले। इससे पहले अपन ने इम्पीडेंस रिले देखा था। इम्पीडेंस रिले मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज होती है, लेकिन उसमें क्या होती है, इम्पीडेंस रिले की जो करेक्टरिस्टिक होती है वो क्या हो जाती है, फॉल्ट इम्पीडेंस से अफेक्ट हो जाती है। तो इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, रिएक्टेंस रिले यूज करते हैं। इसकी परफॉर्मेंस काई पे डिपेंड करती है, ट्रांसमिशन लाइन की रिएक्टेंस पे डिपेंड करती है। तो जो रिएक्टेंस रिले शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज होती है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ कितनी होती है, अप टू 50 किलोमीटर, और ऑपरेटिंग वोल्टेज उसके लिए होता है 20 केवी से कम। रिएक्टेंस रिले के लिए जनरली इंडक्शन कप टाइप स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। इसके टॉर्क इक्वेशन देखते हैं तो इसमें दो क्वांटिटी होती है, एक तो ऑपरेटिंग क्वांटिटी होती है, दूसरी रिस्ट्रेनिंग क्वांटिटी होती है। तीसरी क्वांटिटी होती है स्प्रिंग टॉर्क, वो बहुत ही स्मॉल होती है तो उसको अपन नेग्लिजिबल मान लेते हैं। इसमें जो ऑपरेटिंग टॉर्क होती है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, जबकि रिस्ट्रेनिंग टॉर्क वोल्टेज और करंट के प्रोपोर्शनल होती है। तो अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन बात करें, ऑपरेटिंग कंडीशन की बात करें तो रिले ऑपरेट कब होगी, जब उसकी ऑपरेटिंग टॉर्क काई से ज़्यादा हो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क से। तो यहाँ से कंडीशन निकल के आती है अपनी K1I² इज ग्रेटर देन K2VI sin ∅। तो K1 by K2 को अपन नया कॉन्स्टेंट के कह दिए, V अपॉन में I का रेशियो Z कहलाता है, तो जेड साइन फाई हो गया। तो जेड साइन फाई को अगर अपन इम्पीडेंस ट्राइंगल बनाए तो हाइपोटेनियस उसकी जेड हो गई, बेस आर हो गया और परपेंडिकुलर एक्स हो गया। तो यहाँ से साइन फाई क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो एक्स बाई जेड यहाँ से वैल्यू आ गई, तो एक्स इज इक्वल टू जेड साइन फाई। तो जेड साइन फाई की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। तो जो ऑपरेटिंग रीजन है वो कहाँ पे आ गया, कॉन्स्टेंट वैल्यू कैसे क्या होएगा, लेस होएगा। अगर बैलेंस कंडीशन की बात करें, बैलेंस कंडीशन में ऑपरेटिंग टॉर्क और रिस्ट्रेनिंग टॉर्क आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऑपरेटिंग टॉर्क हो गई K1I², वो काय के बराबर होनी चाहिए, रिस्ट्रेनिंग टॉर्क हो गई, तो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क हो गई K2VI sin ∅। तो यहाँ से जो इक्वेशंस निकलती है, K इज इक्वल टू जेड साइन फाइव, जेड साइन फाइव को अपन क्या लिख सकते हैं, इसके लिए वापस अपन को इम्पीडेंस ट्राइंगल देखना पड़ेगा। तो फाइव इज द पावर फैक्टर एंगल, एंगल बिटवीन इम्पीडेंस जेड एंड रेजिस्टेंस आर। तो यहाँ से साइन फाइव अपन ने कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू आई एक्स बाई जेड, तो एक्स इज इक्वल टू जेड फाइव, जेड साइन फाइव, एक्स इज इक्वल टू के, यहाँ से क्या आ गई इक्वेशंस आ गई। एक्स इज इक्वल टू के को अगर अपन RX डायग्राम पे प्लॉट करें, जहाँ पे रियल एक्सिस पे रेजिस्टेंस R लिए और इमेजिनरी एक्सिस पे रिएक्टेंस X लिए, तो X इज इक्वल टू के क्या रिप्रेजेंट करती है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। तो X इक्वल टू के वाली लाइन अपन ने प्लॉट कर दिया। तो अपन ने क्या देखा था, ऑपरेटिंग रीजन कहाँ पे आता है, ऑपरेटिंग रीजन आता है X इज लेस देन K, यानी कि K एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो कैसे, नीचे नीचे का रीजन काय के अंदर आएगा, ऑपरेटिंग जोन के अंदर आएगा। अगर कोई भी फॉल्ट इस वाले जोन में आता है तो रिले क्या होगी, ऑपरेट करेगी और फॉल्ट इस एलिमेंट को हेल्दी एलिमेंट से क्या कर देगी, आइसोलेट कर देगी। इसके बाद का जोन कहलाता है रिस्ट्रेनिंग जोन, अगर इसके अंदर कोई फॉल्ट आता है तो रिले ऑपरेट नहीं करेगी। तो तीसरी कंडीशन है x इज इक्वल टू के, इस वाली कंडीशन पर रिले क्या हो जाती है, जस्ट टू ऑपरेट, यानी कि ऑपरेट होने की कंडीशन में आ जाती है।
ये बैलेंस कंडीशन होती है एक्स इज इक्वल टू के वाली, एक्स लेस देन के में ऑपरेटिंग रीजन में चल जाता है अपना पार्ट, और एक्स ग्रेटर देन के में रिस्ट्रेनिंग जोन में चल जाता है। तो रिएक्टेंस रिले मेनली काय के लिए यूज होएगी, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज होएगी। थैंक यू।